नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफाक खान ने अपनी टीम के साथ स्पीड लेजर गन के माध्यम से आगरा दिल्ली से लखनऊ की ओर आने वाली डबल डेकर स्लीपर बसों के ओवर स्पीडिंग में चालान करना शुरू कर दिया। तभी कई स्लीपर बसों के चालकों को खबर हो गई कि यातायात पुलिस कन्नौज द्वारा डबल डेकर बसों के ओवर स्पीडिंग में चालान किए जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद जितनी भी डबल डेकर स्लीपरें आ रही थी सभी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम हो गई। यातायात प्रभारी द्वारा बताया गया कि यदि हमारे पास इंटरसेप्टर वाहन होता तो इनकी रफ्तार पर पूर्ण रूप से लगाम लगाई जा सकती थी। कहा कि उच्च अधिकारियों से कन्नौज यातायात पुलिस के लिए एक इंटरसेप्टर वाहन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। उम्मीद है इंटरसेप्टर वाहन जल्द ही यातायात पुलिस कन्नौज को मिलेगा। प्रभारी द्वारा बताया गया कि एक्सप्रेसवे में ITMS यानी कि स्पीड लेजर डिवाइस लगा हुआ है, परंतु वाहन चालक उसके पास पहुंचते ही अपनी गति को कम कर लेते हैं, चालान से बच जाते हैं, उसके आगे फिर ओवर स्पीडिंग करते हैं। इंटरसेप्टर द्वारा चलते चलते ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों का चालान हो जाता है। चालकों को तभी पता चलता है जब उनके पास चालान का मैसेज पहुंचता है। आज कई कारों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ी गई है। उनके चालान किए गए 3 डबल डेकर स्लीपर बसों के भी चालान किए गए हैं। 22 चालान ओवर स्पीडिंग में किए गए हैं। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, इस पर 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से वाहन चालक वाहन स्वामी अत्यधिक स्पीड से आते हैं, जिसके लिए हमारी लेजर गन तैयार रहती है। और ये देखिए, ये गाड़ी साइड से जो जा रही है 104 किलोमीटर की स्पीड से थी। ये देखिए, इसमें बाकायदा इसका गाड़ी नंबर वगैरह ये सब आ चुका है। गाड़ी नंबर आ गया, इसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। ये देखिए, पूरी डिटेल आ चुकी है। और इसका जो लाइट व्हीकल है, जो लाइट व्हीकल हैं उनका 2000 रुपया का चालान है, और जो भारी व्हीकल हैं उनके 4000 रुपये के चालान हैं।